बहुत ही रिस्क लेके हम इधर पहुँचे हैं। एंड वो कोच ये 12.5 साल से इधर ही पड़ा हुआ है, रेलवेज ने इधर मतलब फैला के रखा है कोच को, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस सामने देखिए कोच पड़ा है, अंदर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलिए। सो गाइस कोच के अंदर है, आपको पूरा सीन दिखा रहे हैं, पूरा फटी पड़ी है कोच के अंदर। हम चार लोग ये S4 या S5 कोच के अंदर आए हैं। एंड ये कहा जाता है कि S4, S5, S6, S7 ये 3 या 4 कोच ज़्यादा डैमेज हुआ था, ठीक है। इधर से आज भी 12 साल के बाद जो भी ट्रेन खेमासुली और सर्डिया के बीच से गुजर रही है, LP या दो असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट दोनों ही ट्रेन की स्पीड को 20 से 30 के अंदर ले किए आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों WAG-5 का ये जो लोकोमोटिव है सामने वाला, ये एक्चुअली आके हिट किया था ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस DL कोचेस के साथ। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं आप सबका और एक नया वीडियो पे। आज का जो वीडियो है, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक देखो, बहुत मज़ा आएगा एंड डर भी लगेगा आपको भी, और मुझे तो भाई अभी से ही डर लगना शुरू हो चुका है। एनीवे, आप लोग टाइटल ट्रेलर थंबनेल देख चुके हो आज क्या होने वाला है। बेगुन कोदार की 100 ब्लॉग हमने बनाया था, ठीक उसी तरह और एक 100 ब्लॉग बनाने का प्लान था, बहुत दिनों से प्लान बना रहा था लेकिन टीम नहीं बन रहा था। फाइनली टीम बना के और एक वीडियो ऐसा लाने की कोशिश कर रहा था मैं, फाइनली वो आ चुका है आपके सामने। ये अभी जो स्टेशन आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सार्डिया, ठीक है, सार्डिया रेलवे स्टेशन पे मैं आके उतरा हूँ। मतलब मेरे साथ मेरा पूरा टीम है और 3 लोग हैं। आज हम एक 100 ब्लॉग करने जा रहे हैं, वो है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, आपको याद होगा शायद, ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स जो हावड़ा से मुंबई LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में चलती है, ठीक है। उस ट्रेन का हादसा हो गया था, रेल एक्सीडेंट हुआ था 28 मई 2010, मतलब 12.5 साल बीत गया है उस बात को, सभी लोग जानते हो, वेस्ट बंगाल का सबसे बुरा मतलब एक बहुत बड़ा रेल हादसा था वो। उस हादसे में बहुत सारे लोग अपने जाने गंवाए थे, तो बाकी जो बात है, जो स्टोरी है, वो बाद में आपके साथ में शेयर करता हूँ। जहाँ पर वो हादसा हुआ है उस मतलब गांव वाले कहते हैं कि उस जगह पे जो लोग अपने जाने गंवाए थे, वो रात को उनकी आत्मा जो है उनको उधर भटकते रहते हैं। एंड वो जो कोचेज़ हैं DL कोचेज़, वो कोचेज़ आज भी उधर पड़े हुए हैं, किस कंडीशन में हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ अंदर का कंडीशन क्या है उस DL कोचेज़ का, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड सच में उधर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है कि नहीं, ये बेगुन कोदर की तरह एक रात हम उधर आज बिताने जा रहे हैं, ठीक है, बिताएंगे, देखेंगे कि उधर कुछ है या नहीं, ठीक है। एंड इसी के साथ ही ये जगह देखिए भाई, खेमासुली स्टेशन, ठीक, सॉरी सार्डिया स्टेशन, कितना डरावना लग रहा है। एक लाइट है पीछे की तरफ एंड सामने की तरफ और एक लाइट है। तो जो इस हॉन्टेड ब्लॉग को देख रहे हो, कर दो एक लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम धीरे धीरे हमारी स्पॉट की तरफ निकलते हैं एंड स्पॉट पर जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई साहब, आप सार्डिया स्टेशन को ही देख लीजिए, इस तरफ एक लाइट है, ठीक है, और इस तरफ एक लाइट है, और बीच का जो जगह है वो लाइट थोड़ा कम है उधर, एंड सामने की तरफ और एक लाइट है। ये स्टेशन ही भाई बहुत ही डरावना लग रहा है। एंड ये सार्डिया और खेमासुली के बीच में ही वो रेल हादसा हुआ था, तो हम इधर से पैदल उस रेल हादसे के स्पॉट पर जाएंगे, ठीक है, एंड एक रात बिताएंगे। तो दोस्तों ये है मेरा टीम, देख लीजिए, मेरे साथ और 3 लोग आए हैं, एक है शागनिक, अरूप और नजरुल, ठीक है। तो ये मेरा टीम है, हम 4 लोग जा रहे हैं इस हॉन्टेड ब्लॉक की शूट करने। उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा, देखते बाकी ऊपर वाला के हाथ है, हाँ, तो भगवान है। देख लेना, अभी कुछ पता नहीं, जाते हैं, मिलते आप लोगों से स्पॉट पे जाके। तो दोस्तों अभी हम एक बहुत ही घनी जंगल के रास्ते उस स्पॉट पे जा रहे हैं पैदल, एंड इस समय टॉर्च हमको नहीं जलाना है, बिना टॉर्च के हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, उधर जाके हम शूट करने के दौरान टॉर्च जलाएंगे, बाकी सारा रास्ता हमें पैदल ही जाना है अंधेरे में, क्योंकि अगर किसी ने भी वो पुलिस हो सकता है, RPF हो सकता है, SSP वाले हो सकते हैं, गेटमैन वाला हो सकता है, किसी में भी हमें पकड़ लिया या देख लिया तो बहुत ही बुरा फंसेंगे, इसलिए स्पॉट पे पहले चलते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस
अभी रात के बज रहे हैं 12:15, ठीक है, एंड हम पहुंच चुके हैं ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के एक्सीडेंट स्पॉट पे, मतलब झारखंड स्टेट में जहाँ हुआ था, खेमासुली और सारडिया स्टेशन के बीच में, ठीक है। एंड मेरे साथ दोस्तों है, आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि इधर बहुत अंधेरा है, घना अंधेरा है, एंड दो साइड पे पूरा फील्ड है, ठीक है। एंड इधर बहुत मामला हुआ है, एंड हम किस तरीके से इधर पहुँचे हैं वो हम ही जानते हैं। अभी अगर मेरा एंड हमारे साथ जो जो लोग हैं उनका अगर ECG करे, मतलब हाँ मतलब क्या बोले, हार्ट की धड़कन, अगर आप दिल की धड़कन को देखें तो वो साइनस टैकीकार्डिया आएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही रिस्क लेके हम इधर पहुँचे हैं। एंड पीछे आप उन कोचेस को मैं दिखाऊंगा, रुकिए ज़रा, दिखाऊंगा। रात को भी 12 बज जाएगा थोड़ी देर बाद, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम स्पॉट पे पहुँच गए हैं, थोड़ी देर बाद हम कोच का कंडीशन क्या क्या है, वो कोच ये 12.5 साल से इधर ही पड़ा हुआ है, रेलवेज ने इधर मतलब फैला के रखा है कोच को, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस को दिखा देते हैं, देखिए देखिए हम सब बैठे हुए, ठीक है, अभी रात के 12:15 बज रहे हैं, सब लोग देखिए देख सकते हैं, हम 3 आदमी इधर बैठे हैं। एंड मेरे पीछे आई होप देखिए, देख सकते हैं आप ना, शायद नहीं देख सकते, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो हम पहुँच गए, एंड वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, हम आपको अंदर अगर हो सके तो अंदर जाके दिखाएंगे, एंड नहीं हो सके तो बाहर से दिखा देंगे, एंड स्टोरी भी बताते हैं। गाइस रात के अभी 12:10 हुआ है, शायद मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का DL कोच है, मतलब 12.5 साल बीत गया है, 12.5 साल से ये कोचेज, ये वन ऑफ द कोच है, ठीक है, ये कोचेज यही पड़ी पड़ा हुआ है। एंड ये जो कोचेज अभी तक मेरे नज़र में 3 या 4 कोचेज आए, उधर सामने और भी है, आगे भी हम जाएंगे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो कोचेस है ना उल्टी तरीके से रखा हुआ है, उल्टी तरीके से मतलब ऐसे रखा हुआ है कि उनके अंदर हम नहीं जा सकते, अंदर का चीज़ आपको अंदर किस हालत में वो आपको नहीं दिखा सकते, अंदर उस साइड चलते हैं सामने की ओर, सामने की ओर चल के वो कोच अगर एक दो कोच दिखाने की हालत में रहा तो वो कोच के अंदर हम ज़रूर से आपको दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो वो दिन था आज से 12.5 साल पहले, 28 मई 2010 रात 10:50 या 10:30 का टाइम था जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हावड़ा से डिपार्ट करती है, तब हावड़ा से चलती थी, अब शालीमार से चलती है, एंड अब गाड़ी जो है LHB हो चुका है, ठीक है, एंड तब ICF हुआ करती थी। और ये ICF कोच आप देख सकते हो किस हालत में, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, सोचिए आप, बहुत ही बुरा कंडीशन है इसका। तो उधर से गाड़ी छूटता है हावड़ा से, कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग जाग रहे थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो रात उनके लाइफ का आखिरी रात होने जा रहा है। सो कुछ देर बाद खड़गपुर आता है, एंड खड़गपुर से गाड़ी डिपार्ट करता है झारखंड डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के खेमासुली और सारडिया में। जब भी इतु स्टेशन के बीच में गाड़ी पहुंचता है तब तकरीबन 1 या 1:10-15 बज रहा था, ठीक है, तब अचानक सब ख़त्म हो गया, मतलब गाड़ी अचानक हो गई डीरेल, ठीक है। तो डीरेल हो गई थी, इधर तक सही था, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है, नुकसान तब हुआ जब डीरेल होने के बाद वो जो डीरेल कोच हुआ था, वो डीरेल कोचेस बाजू के जो लाइन थे उन लाइन में, मतलब बाजू के लाइन में जाके गिरे थे, एंड सामने से आ रही थी उल्टी डिरेक्शन से एक फ्रीट ट्रेन, मालगाड़ी ने आके उन कोचेस को ज़बरदस्त टक्कर मार दिया, जिसके कारण से बहुत सारा डैमेज हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 148
145 से 148 लोग अपने जाने गंवाए थे इस ज्ञानेश्वरी रेल दुर्घटना में, एंड लगभग 200 से ज़्यादा लोग इंज्योर्ड हुए थे। ठीक है, यही बोले, ऊपर वाला से दुआ करूँगा वो लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। एंड इतना रात हो गया है अभी तक यार, पैरानॉर्मल कोई भी एक्टिविटी मुझे या मेरा दो दोस्त है नज़रुल, वो शूट कर रहा है वीडियो, ठीक है, उसको नहीं आई, मतलब हमारी नज़रों के सामने कुछ ऐसा नहीं है, कुछ फील भी नहीं हो रहा है कि इधर कुछ है। मतलब 75% आप पकड़ लीजिए कि ये अफवाह है, एज लाइक एज बेगुन कुदौर। ठीक है, तो इसके बाद सुबह तक कोई मदद नहीं आया था, लगभग 4:30, मतलब जब सूरज मामा उठ रहे थे तब मदद आए इस जगह पे, तब से बॉडी निकालने का काम शुरू हो गया, मतलब शुरू किया गया था। तो ये थी कुछ ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की स्टोरी। एंड और एक बात, ये हुआ था, ये जो एरिया आप देख रहे हो जहाँ पर हम हैं खेमासुली और साडिया के बीच में, ये एरिया तब बहुत साल पहले का बात है ना, 12.5 साल बीत गए तब, पूरा ये जो एरिया है नक्सलवादी एरिया है, मतलब माओवादी के कंट्रोल में था। एंड वो जो माओवादी लोग था उन्होंने ही ये हादसा करवाया था, उनका मान दावा था गवर्नमेंट से, हमारी रेलवे की गवर्नमेंट से उनका कुछ दावी थी जो वो लोग मांग रहे थे गवर्नमेंट से। उनका जो लीडर है वो, मैं जब छोटा था मैं वो न्यूज़ देखा था तब 2010 में, उनका लीडर का मानना था कि वो लोग ज्ञानेश्वरी को हादसा नहीं पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, उनका गवर्नमेंट के साथ कुछ मांगे थी जिसके कारण वो इंडियन रेलवे की फ्री ट्रेन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उनका दूर दूर तक ये इरादा नहीं था कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचे। वो लोग खुद भी बोले कि हमारा बेकसूर लोगों को मतलब कुछ भी करना, बेकसूर लोगों को मारना ऐसा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन हमें दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं था, वो लोग बोले इंटरव्यू पे, कि उस ट्रैक पे फ्री ट्रेन से पहले ज्ञानेश्वरी आ जाएगी जिसके कारण ये हादसा हुआ। लेकिन हादसा तो यार बोल खोल के नहीं आता ना, हादसा हो गया यार, क्या ही करे क्या ही बोले, बहुत ही बुरा लगता है आज भी जब सोचता हूँ। एंड मैं तो इसी जगह पे खड़ा हूँ, ये कोचेस को देखिए टच कर रहा हूँ, ऐसा हादसा और ज़िंदगी में कभी भी इंडियन रेलवेज में ना घटे। और एक सच बात बताता हूँ, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, हम लोग इधर से आज भी 12 साल के बाद जो भी ट्रेन खेमासुली और सरडिया के बीच से गुजर रही है, LP या असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट दोनों ही ट्रेन की स्पीड को 20 से 30 के अंदर ले के आ रहा है। ठीक है, स्पीड से आने वाली ट्रेन भी, फ्री ट्रेन हो मेल ट्रेन हो जो भी हो, स्पीड रिड्यूस हो रहा है, फिर ये एक्सीडेंट स्पॉट पार हो जाने के बाद फिर एक्सेलेरेट करके स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। मतलब तब से लेकर आज तक वो जो डर का माहौल है वो आज भी उन सारे लोको पायलट्स के अंदर है, जो कंट्रोलर है उनके भी अंदर है, इसलिए ही ये कर रहा है, ये बहुत ही सही है। ठीक है, मतलब दोबारा अगर फ्यूचर में ये हादसा होता है, कुछ ऐसा होता है, नहीं होगा फिर भी, कुछ भी होता है तो डैमेज उतना ज़्यादा नहीं हो, गैस लाइक गैस इसका जैसे डैमेज बहुत सारे लोग मारा गया था ऐसा ना हो, इसके वजह से ये मतलब हो रहा है, जो भी एक बहुत बढ़िया बात है, ये मानता हूँ मैं। तो अब मैं आपको पूरा सीन दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 12 साल बाद कैसे हालत है यहाँ पर वो कोचेस, एंड हो सके तो उनके अंदर जाके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो शायद आप देख सकते हो ये है वो डीरेल कोचेस, देखिए मैं फ्लैश जला के रिस्क लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है, ये शायद S4 है, देखिए ये थोड़ा टिल्टेड कंडीशन में है। ठीक है, सामने भी हम जाएंगे डीरेल कोचेस, और ये जो ट्री वगैरह इधर उग गया है देखिए, बहुत भाई 12 साल हो गया भाई, तो होगा ही ना, 12 साल से ये डीरेल कोचेस यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, नक्सलवादियों ने क्या किया था जिसके कारण ये ट्रेन हो गई थी डीरेल। ठीक है, उन्होंने 46 से 48 सेंटीमीटर तक ट्रैक, रेलवे का जो पटरी है, ट्रैक जो है उसको काटा गया था। ठीक है, मतलब काटा गया था या कुछ ट्रैक के साथ छेड़ाछाड़ी किया गया था, जिसके कारण गाड़ी, अगर 46 सेंटीमीटर ट्रैक अगर काटा हुआ रहेगा तो गाड़ी डिरेल ही हो जाएगी, तो ऐसे डिरेल हो गया था। ठीक है, तो ये डिरेल होने का कुछ राज था। अब हम सब लोग मिलके सामने की ओर जाने की कोशिश करते, उससे पहले बताते हैं कि भाई इधर भूत प्रेत ऐसा कुछ बात नहीं है। एंड जो तीन अफवाह है, एक दो अफवाह, वो अफवाह मैं आपको बता देता हूँ। इधर के गाँव वालों का कहना है कि पहला, इधर जो लोग अपने जाने गवाए थे वो लोग की चीख पुकार, वो लोग की चीख पुकार जो है रोने की आवाज़ बच्चे की, ऐसा कुछ देर रात को सुनाई देता है। नंबर टू, जो भी इधर से शाम को या थोड़ा रात को साइकिल से या बाइक से जाते हैं तो उनको जो लोग इधर जाने गवाए थे वो लोग सामने आ जाते हैं एंड पुकारते नाम से। ठीक है,
जब बाइक वाला ऐसे करके देखता है कौन पुकार रहा है, तब गायब हो जाते हैं। ठीक है, रात तो रोने का आवाज़ आता है, ऐसा कुछ अफवाह इधर है, इधर के ग्राम मतलब विलेज वाले लोगों का, बेगुन गुजर की तरह, ये सब झूठा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ज़रा सर झूठी बात है, कुछ भी फील ऐसा नहीं हो रहा है, अभी एक बच्चों का है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। पाँच बजे तक हम इधर हैं, 5 बजे पहला ट्रेन पकड़ के हम घर जाएंगे, अभी भी 4 घंटा है, हर एक घंटे का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, सामने देखिए कोच पड़ा है, अंदर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस कोच के अंदर हम जा सकते हैं। सो हम अंदर जाके दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर का कंडीशन 12 साल के बाद क्या है। भाई सावधानी से, सावधानी से उठिएगा, सांप ओप रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, सावधानी से उठिए, देखिए क्या है। हाँ, जंग तो लग गया है, देखिए देखिए देखिए, सावधानी से, सावधानी से, पूरा सावधानी से। मारो मारो, ये देखिए 12 साल से 71 साइड लोअर का सीट है ये। अंदर चलो, अंदर चलो, सावधानी से, बहुत ही सावधानी से। ठीक है, देखिए ऐसा हुआ, फका भंगा हुआ पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ हाल है। ठीक है, सामने मार, एक सामने मार, ऐसा कुछ हाल है, देखिए। ठीक है, नीचे देखिए, हाल देखिए यार, जंग तो लग चुका है और धूल मिट्टी भी है, धूल मिट्टी भाई। उस ज़माने की देखिए, 48 अपर, 47 साइड लोअर, ICF कोच। ठीक है, ये ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस है, कौन बोलेगा भाई, कौन बोलेगा। सब लोग भाई सो चुके थे, उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सामने चलो, सामने चलो ना, सामने चलो। सो गाइस, देखे ये थे कुछ हाल। चलो अब सीधा जाते हैं हम, चलो। और इधर देखिए, पूरा सामान वामान बिछड़ के पड़ा ये सामने गेट के सामने के। सावधानी से आए भाई, देखिए देखिए, हम 4 लोग ये S4 या S5 कोच के अंदर आए हैं। एंड ये कहा जाता है कि S4, S5, S6, S7 ये 3 या 4 कोच ज़्यादा डैमेज हुआ था। ठीक है, सो गाइस, कोच के अंदर है, आपको पूरा सीन दिखा रहे, पूरा फटी पड़ी है कोच के अंदर, 12 साल से ऐसे हाल में है भाई, फटी पड़ी है एकदम। अंदर का सीन मैंने दिखाया, कमेंट करके बताना कि आपको, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए, इधर हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सागनिक लेटा हुआ है, औरूप है, इधर हमारा नोजरूल है, वो वीडियो शूट किया हुआ वीडियो देख रहा है कि कैसा हुआ है। इधर हम बैठे हुए हैं, वो मेरा बैग है, देखिए। ठीक है, बेगुन को उधर मैंने आपको दिखाया था कि हम कैसे सोए थे, इधर भी हम दिखा रहे हैं, अभी 1:10 हो रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है, इधर हम रेस्ट कर रहे हैं एंड शूट कर रहे हैं हमारी वीडियो को। वीडियो बहुत बढ़िया हो रहा है, आप लोग पूरा देखना, आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, सो गाइस, लगभग वीडियो ख़त्म होने को है। ठीक है, अभी देखिए 3:25 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 3:25, लगभग 3:30 पैरानॉर्मल एक्टिविटी की मैं बात करूँ, जो डाटा हुआ है, पहले मैंने आपको बोला इधर के विलेजर्स जो अफवाह मतलब आपको सबको रख चुकी है, वो सर इधर कुछ भी नहीं है, पूरा फेक है, ना कुछ फीलिंग, ना कुछ जो जो वो बच्चे की रोना वगैरह वगैरह सब कुछ जो है, कुछ भी हमको ऐसा फीलिंग भी नहीं हुआ। एंड नोजूल मेरे साथ है, मेरे 2 पार्टनर भी है, ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ। प्लस इधर हमारे नज़रों के सामने भी कुछ नहीं आया, जो मैंने आपको बताया। और एक बात, ट्रेन लवर्स जो थी, फेक कुछ चीज़ भी नहीं दिखाता। ठीक है, जो दिखाता है रियल चीज़ दिखाता है, मेरे साथ कुछ होता है वो भी दिखाता है, नहीं होता है तो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो बेगुन को उधर की वीडियो पे भी मैं आपको आपके साथ शेयर किया था, आज भी कर रहा हूँ। एंड आपका क्या ओपिनियन है थोड़ा बताइए। ओपिनियन है मेरा साफ है, हम लोग 11 बजे से इधर है, 11 बजे से अभी 3:30 बजने वाला है, लगभग 4.5 घंटा इधर है, कोई भी एक्टिविटी हमारे आँखों के सामने अभी तक नहीं हुआ। और जो भी चीज़ रटा हुआ है वो मतलब फेम के लिए है, और इंसान को जो भी हमारा जो कम्युनिटी है उसको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है,
अभी तक कुछ भी चीज़ जो भी रटा हुआ था एक भी चीज़ हमारे सामने नहीं हुआ, हम चार आदमी थे। एक बात जो थ्रिलिंग वाला चीज़ है ना दिल के अंदर होता है, क्योंकि बहुत रिस्क लेके हम इधर आए, बहुत लोगों की नज़र चुरा के, प्लस क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्लस अगर कोई पकड़ लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत समझ सकते हो, पूरी बुरा फंसेंगे बुरा इसके वजह से। एंड हमको आना भी था, हम जिस मकसद से आए अगर उनको बताएंगे वो यकीन नहीं करेंगे, ये साधारण सी बात, यकीन करना भी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत बचा चुरा के हम इधर आए हैं, आके जस्ट आपको सच्चाई दिखाने के लिए एंड खुद एक एक्सपीरियंस करने। और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो कहानी था पूरा फेक है, इसको भाई आप लोग मतलब डिसएग्री करिए, वो अगर इन्फॉर्मेशन देता हो तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करिए। देखो उनको उधर पे वीडियो पे भी मैंने सच्चाई दिखाया था, कुछ आता तो मैं आपके साथ शेयर करता, कुछ नहीं है भाई, नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड मैं झूठा कुछ नहीं दिखाता, जो दिखाता हूँ सच्चा दिखाता हूँ, चाहे व्यूज़ आए और ना आए, ठीक है। इस वीडियो पे भी वही, उस वीडियो बेगुन कोदर पे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिखाया था, 350,000 व्यूज़ उस चैनल मतलब वीडियो पे। आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही लाइक कमेंट शेयर करेंगे, ठीक है। The next morning. So guys, अभी बज रहे सुबह के 6, ठीक है, सुबह के 6 बज चुका है एंड सूरज मामा उठ चुके हैं। पीछे देखिए, रात को तो घना अंधेरा था, जंगल महल का एरिया है, जंगल महल, इधर से कुछ भी आ सकता था भाई, हाथी की झुंड भी आ सकता था, कोई डाकू चोर ऐसे लोग भी आ सकते थे, एंटी सोशल लोग भी आ सकते थे, RPF भी आ सकते थे, सब कुछ रिस्क लेके मैं और मेरी पूरा मतलब जो मेरे साथी आए वो लोग इधर आए एंड आपको पूरा सच्चाई दिखाया, कोचेस का कंडीशन दिखाया, सब दिखाया, ठीक है। तो सुबह में दिखाते हैं कि कोचेस का कंडीशन क्या है, और एक बार दिखा देते, ठीक, चलिए। सो सुबह में सीन दिखाते हैं, वो डीरेल कोचेस, ठीक है, ये देखो ये पहला कोच है, ठीक है, 91 का कोच है, देखिए सेंट्रल रेलवे किस हाल पे है, देखिए, ठीक है। इस सामने हम आए थे लेकिन इस पे चढ़े नहीं थे, ये दो कोचेस पे चढ़े थे, ठीक है। सामने और एक कोच है, वो टिल्टेड कंडीशन में है, ये देखिए इधर एक कोच है, ये देखिए पूरा टिल्टेड हाल में है, ठीक है, पूरा टिल्टेड हाल में है ये कोच, ठीक है। और इधर एक कोच है सामने, और एक दो उसके आगे भी दो कोच है, एंड उधर तो रात पे हम नहीं गए थे, पटरी के उस साइड भी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। ऐसा कुछ हाल आपको दिखाई दे रहा है सुबह में, ठीक है। और एक बात दोस्तों, इस साइड पे तो दिखा दिया इस साइड का सीन क्या क्या है, उस साइड पे देखिए जो फ्री ट्रेन मालगाड़ी के साथ संघर्ष हुआ था, टक्कर हुआ था, वो दो म्यूट लोको थी, WAG-5 दो लोको ही पड़ा हुआ है, उस साइड चलते हैं एंड वो दो लोकोमोटिव दिखाते हैं, एंड दो कोचेस भी पड़ा हुआ है उसी के साथ, फ्री जो BOXN वैगन था वो देखिए, वो BOXN वैगन उधर पड़ा हुआ है, मैं जूम करता हूँ, देखिए ये देखिए, तो उधर चलते हैं एंड उधर जाके उधर का सीन आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है WAG-5 म्यूट लोकोमोटिव, ये एक है, एंड उधर देखिए उस साइड पे वो दो म्यूट लोकोमोटिव था फ्रीड ट्रेन के साथ, मालगाड़ी के साथ, जो बहुत ज़ोर से संघर्ष हुआ था, टक्कर हुआ था, देखिए ये मुड़ गया है, देखिए इतना ज़ोर से टक्कर हुआ था, 13 साल से गाड़ी का लोकोमोटिव इधर पड़ा हुआ है ऐसे, उसी के साथ ये BOXN फ्रीड जो वैगन थे, कुछ वैगन डीरेल हो गए थे, उस डीरेल वैगन में से कुछ वैगन भी इधर रखा हुआ है, जंग पड़ गया है। वैसे कोच वो उस साइड पे हम थे, ठीक है, रात को, सो रात का टाइम था इसलिए इस साइड पे नहीं आए, सुबह दिखा रहे। कोच तो जंग पड़ ही चुका है, मतलब ये भी जंग पड़ चुका है, सब कुछ जंग पड़ चुका है, ये देखिए पेंटोग्राफ, थोड़ा छू लेते यार, पेंटोग्राफ तो छू नहीं सकते, इसको छू लेते, छुआ भाई छुआ, इधर भाई 25 KV का बिजली दौड़ता है, इधर टच लगता है, 25 KV का बिजली दौड़ता है, इधर तो बिजली नहीं है तो सोरा छू लिया। ये है WAG-5 लोकोमोटिव, पूरा सुनसान एरिया है, देखिए जंगल महल भाई, एक समय ये एक ज़माना था तब नक्सलवादियों का एरिया था, ये पूरा उनके कंट्रोल में था। और ये है और एक लोकोमोटिव WAG-5, देखिए इसका नंबर भी साफ साफ पर पढ़ा जा सकता है, 23147 WAG-5, देखिए ये देखिए इसका भी पेंटोग्राफ, सब जंग लग चुका है, और उधर कोचेस पड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर कुछ टूटी वूटी बुगिया है, और उधर भी दो कोच रखा हुआ है, यही इधर का सीन है। और दोस्तों WAG-5 का ये जो लोकोमोटिव है सामने वाला,
ये एक्चुअली आके हिट किया था ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के डीरेल कोचेस के साथ। इसके सामने वाला देखिए पोर्शन, देखिए पूरा एकदम ख़त्म हो गया है पूरा ख़त्म। इसके पीछे वाला जो था वो कम डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ है लेकिन इससे कम, क्योंकि ये सामने था इसको ज़्यादा डैमेज ये हुआ है। ठीक है, पूरा एकदम ख़त्म हो गया है, लोगों को एकदम कुछ भी नहीं है। পেগলাম দেখিস জয় বাইক, জয় বাইক পেগলাম সামনে সে দেখিয়ে সামনে সে কনসা ট্রেন যা রা মালুম কর সকতে জিস ট্রেন কা অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া হ্যায় জিস ট্রেন কে অ্যাক্সিডেন্ট কে লিয়ে হম ইয়ে ভিডিও বনা রহে ওই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস হি যা রহি হ্যায় ডাউন বলি ক্যা কোইনসিডেন্স দেখি ভাই দেখিয়ে ওই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস হ্যায় ভাই ডাউন ওয়ালা আব এলএইচবি হো গই হ্যায় অ্যান্ড আপ শালিমার সে ছুটতি হ্যায় ইয়ে গাড়ি। और जब एक्सीडेंट हुआ था तब ICF थी, छूटती थी हावड़ा से। तो दोस्तों अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं एंड वीडियो ख़त्म हो गया है हमारा। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का जो ये नाइट स्टे ब्लॉग था, नाइट हंटेड ब्लॉग, वो हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। ये मेरा पूरा टीम इनके साथ शो किया था, इनके साथ ही ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया, इतना भी लगा कि आप भी मेरे साथ, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर, रुको भाई रुको, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर, रुको भाई रुको, आप भी मेरे साथ ये पूरा ट्रिप कर रहे थे, वीडियो को जरूर से एक लाइक करना। आप सभी लोग जानते हो मैं झूठ को मतलब नहीं दिखाता मेरे चैनल पे, जो होता है वही दिखाता हूँ। सो कमेंट करके बताना कि पूरा ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो, मुझे अगर पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब ज़रूर करो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ज़रूर से करो, एंड बाजू में जो घंटी है घंटी को ज़रूर से दबाना एंड इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हो नीचे यूज़र नेम दिया हुआ है, उधर जाके फॉलो ज़रूर करना, उधर भी कॉन्टेंट्स में डालता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से और एक नए दिन और एक नई जर्नी ब्लॉग के साथ और एक नई वीडियो पे मेरे चैनल पे। तो तब तक के लिए अलविदा, गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।